सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी ने कभी न कभी किसी को ये कहते ज़रूर सुना होगा कि अरे ये अपशगुन हो गया, अशुभ हो गया। जैसे कि बिल्ली के रास्ता काटने को लोग अपशगुन मानते हैं और शरीर पर छिपकली गिरने को शगुन अपशगुन माना जाता है। तो उसी तरह अगर सुहागिन महिलाओं की बात की जाए तो ग्रंथों में सुहागिन महिला जो कि सुसज्जित हैं यानी कि श्रृंगारित हैं, उनके दर्शनों को शुभ शगुन बताया गया है, शुभ संकेत बताया गया है। अगर आप किसी कार्य क्षेत्र के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो उसके लिए शुभ संकेत माना जाता है अगर सामने से आपको जो है सुहागिन, वो भी श्रृंगारित महिला जिसने मतलब श्रृंगार धारण किए हों, तो उनके दर्शन हो जाएं तो आपके कार्य के लिए शुभ माना जाता है। और काफ़ी महत्व कहा गया है सुहागिन महिलाओं का और उनके श्रृंगारों का, ठीक है। लक्ष्मी स्वरूपा जो है सुहागिन महिलाएं कही गई हैं, इसीलिए तो सुहागनों में जो है सुहागनों की पूजा की जाती है। इसीलिए जो है हमारे श्रृंगारों का हमें सम्मान करना चाहिए और जो है जो विशेष श्रृंगार कहे गए हैं उनका हमें रोज़ श्रृंगार जो है करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम सुहागनों के विशेष श्रृंगार सिंदूर के विषय में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि महिलाओं के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं सिंदूर से जुड़े, जैसे कि नहा करके पूजा से पहले जो है सिंदूर लगाना चाहिए, कुछ खा कर लगाना चाहिए, फिर बिना खाए भी लगा सकते हैं, कब लगाएं, मासिक धर्म में जैसे कि महिलाएं ऑफिस भी जाती हैं, घर से बाहर जाना पड़ रहा है तो सुनी मांग अच्छी भी नहीं लगती, एक बार हम भर लेने लगते हैं तो फिर ऐसे में क्या किया जाए, मासिक धर्म में सूतक पातक में क्या किया जाए जब नहीं लगाया जाता है सिंदूर। और सिंदूर से बहुत से जुड़े सवाल जैसे कि किस दिशा में मुख करके जो है हम सिंदूर लगाएं, किस उंगली से लगाएं। मैं तो आपको एक मंत्र भी बताने वाली हूँ जिसको बोलकर अगर आप सिंदूर भरती हैं तो आपके सौभाग्य की आयु लंबी होती है, या फिर अगर श्लोक नहीं बोल पाएंगे तो छोटा चीज़ भी मैं आपको बताऊँगी। साथ ही साथ जो है हम बात करेंगे कि कितना सिंदूर भरना चाहिए। कई लोगों का कमेंट आया था कि नाप तौल कर जो है सिंदूर दिया जाता है, हमारी सास ऐसा कह रही हैं, तो कितना सिंदूर पूरा भरना चाहिए, फिर थोड़ा सा हमें लगाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कैसा करके लगाना चाहिए। तो इन्हीं सिंदूर से जुड़े सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो बने रहेगा आज के इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि हर जानकारी ग्रंथों शास्त्रों से जो भी पढ़ती रहती हूँ वही देती हूँ। तो रामचरितमानस और महाभारत के कुछ प्रमाण भी हैं जो मेरे अनुभवों के आधार पर, तो उनको भी मैं जो है आप सभी से शेयर ज़रूर करूँगी। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सिंदूर का रंग कैसा होता है, क्योंकि हम लोग ना इसे भी कई बार जो है सिंदूर मान लेते हैं, तो ये जो है शुद्ध सिंदूर नहीं है। शुद्ध सिंदूर वह होता है, अगर आपने बजरंग बली का रंग देखा हो, बजरंग बली ने हनुमान जी ने जो है वो सिंदूर ही लगाए रखा होता है अपने पूरे शरीर पर, क्योंकि सीता माता के कहने पर। तो देखिए बड़ी पुरानी परंपरा चली आ रही सीता माता के ज़माने से, है ना, क्योंकि अगर मतलब कहा जाता है कि पति की आयु लंबी होती है तभी तो सीता माता ने ऐसा हनुमान जी से कहा और हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर में लगा लिया कि मेरे राम जी की बहुत आयु लंबी होगी, है ना। तो ये आज की बात नहीं है, हम केवल मतलब छोटी मोटी बात समझते हैं। तो आप देखिए ये इस कलर का जो है सिंदूर होता है जिस तरह से हनुमान जी के शरीर पर लगा होता है, ठीक है, आप वही पहचान अच्छे से कर सकते हैं। और इसे कुमकुम रोली भी कई क्षेत्रों में बोला जाता है, लाल भी आता है, गुलाबी भी आता है। तो बात कर लेते हैं कि सिंदूर लगाना कब चाहिए, तो ये तो सभी महिलाएं जानती कि नहाने के तुरंत बाद कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। आपने बाल खोले हुए हैं, नहा कर आई, तुरंत सिंदूर बिल्कुल भूलकर ना लगाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अशुभ होता है, ठीक है। अशुभ इसलिए होता है कि जब अशुभ दिन होते हैं तो महिला को नहाने के तुरंत बाद ही सिंदूर लगा करके फिर उसका सिंदूर तुरंत ही मिटा दिया जाता है। तो ये अशुभ कार्य किए जाते हैं अशुभ दिनों में, इस वजह से शुभ दिनों में हमें जो है नहाने के तुरंत बाद सिंदूर नहीं लगाना। तो नहाने के तुरंत बाद अगर हम सिंदूर नहीं लगा सकते हैं तो फिर क्या करना है, क्योंकि नहाने के बाद जो है पूजा भी करनी होती है और ऐसी मान्यता है कि पूजा कभी भी जो है सूनी मांग लेकर के नहीं करना चाहिए, मांग भरी होनी चाहिए तभी पूजा करनी चाहिए, ऐसी मान्यता है। तो देखिए आपको क्या करना है कि रोज की पूजा में ना पूजा के पहले और ना पूजा के बाद में, आपको पूजा के बीच में सिंदूर लगाना है, ठीक है। जब आप कोई भी दिन की शुरुआत भगवान की पूजा के साथ करते हैं तो आपके साथ शुभ ही शुभ होता है, क्योंकि भगवान की पूजा से बड़ा शुभ कार्य और क्या हो सकता है। तो भगवान की पूजा से आपको दिन की शुरुआत करनी है नहाने के तुरंत बाद, और पूजा के ना पहले ना बाद में, बीच में लगाना है। बीच में कैसे, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे कि ये सिंदूर है, मान लीजिए
हमने मंदिर में देवियां विराजमान की ही होती हैं, माता दुर्गा माता, लक्ष्मी माता और गौरी माता। तो उनको क्या करना है, उनको बीच में जैसे हम चंदन लगाते हैं भगवान को, तो माता को सिंदूर लगाना है। जैसे कि ये आपने माता को सिंदूर लगाया, माता लक्ष्मी को ऐसे सिंदूर लगाने के बाद माता को लगाया हुआ जूठा सिंदूर इसी को, क्योंकि हाथ में लगा हुआ होता है, तो इसी को जो है अपने माथे पर इस प्रकार से लगा लेना है। तो ये हम रोज जो है माता से सुहाग लेते हैं, रोज जो है माता का जूठा सिंदूर हम लगाते हैं, उनसे सौभाग्य हम मांगते हैं, तो आपके सौभाग्य को हानि कैसे हो सकती है। तो ये आपको रोज का उपाय करना है, आपके सौभाग्य की आयु भी लंबी होगी। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, प्रसाद स्वरूप थोड़ा सा ही सिंदूर उस समय लगाएंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है पूजा के टाइम कि हम पूरा सिंदूर भरने बैठ जाएं। ठीक, तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा हमने प्रसाद ले लिया है, बाद में आप जब भी कंघी करें शाम को दोपहर को, तब जो है आप अपना मांग वगैरह भर लें। ठीक है, तो यही करना है। अब बात यह आती है कि कई क्षेत्रों में ये मान्यता होती है कि तेल लगा करके मांग भरनी चाहिए। जैसे कि हमारे क्षेत्र में यही मानता है कि बाल धोकर के आ रहे हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा तेल ज़रूर लगा लें, फिर जो है मांग भरनी चाहिए। ठीक है, तो हम अगर पूजा कर रहे हैं बाल धोकर के आए हैं तो उस समय तो तेल लगा नहीं होता है, क्योंकि दूसरे दिनों में तो ऑलरेडी पहले से ही तेल लगा होता है सिर पर, लेकिन पहले दिन जब हम बाल धो रहे हैं उस दिन नहीं लगा होता है। तो उस दिन क्या करना है, या तो आप पूजा के पहले तेल लगा लें, या फिर एक काम कर सकते हैं कि एक शीशे में पूजा घर में ही तेल रखा करें। तो जिस दिन बाल धो रहे हैं केवल उसी दिन नियम कर लिया करें, बाकी दिन तो फिर तेल लगा ही रहता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो पहले दिन जब आप वहीं पे भगवान को पूजा वगैरह कर रहे हैं, आपने सिंदूर लगाया माता को, तो क्या कर रहे हैं, इस दूसरी उंगली से थोड़ा सा तेल खोलकर डिप कीजिए तेल में, और थोड़ा सा मतलब तेल स्पर्श करा करके तेल लगाने का नियम कर लीजिए। बस बाल में थोड़ा सा यूं स्पर्श करा लिया, और फिर ये उंगली आपकी लगा ही होता है सिंदूर, तो आप इस तरह से लगा लिया। ठीक है, मतलब पूजा के बीच में ही कुल मिलाकर सिंदूर लगाना है। और देखिए सूनी मांग हो जाती है जब हम बाल धोते हैं, तो सबसे पहले माता को लगाया हुआ सिंदूर लगाया, इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है, तो माता का आशीर्वाद ही मतलब प्रतिदिन आप लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। ठीक है, हम बात करते हैं व्रत और त्यौहार की। तो व्रत और त्यौहार में कभी भी बिना श्रृंगार के, 16 श्रृंगार करके जैसे कि पूजा की जाती, महावर वगैरह भी लगाया जाता है, तो पूरी मांग सिंदूर भर के ही जो है आपको व्रत की विशेष पूजा में बैठना चाहिए। घर पे सत्यनारायण भगवान की पूजा है, कोई त्यौहार है, तो पहले पूरी साज सज्जा कर लें, 16 श्रृंगार कर लें, साथ ही सिंदूर भर लें, फिर जो है आप पूजा में बैठें। ठीक है, व्रत की पूजा के लिए कहा जाता है कि बिना मांग भरे नहीं बैठो, लेकिन रोज की पूजा के लिए जो है जैसे मैंने बताया कि बीच में आपको पूजा के बीच में मांग भरनी है, तो यह आपने जान लिया। और सिंदूर भरते समय एक और बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मांग में सिंदूर भरती हैं तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। कोई भी श्रृंगार जो है वो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके नहीं करना चाहिए। दक्षिण की दिशा यम की दिशा, यमराज की दिशा मानी जाती है, तो कभी भी भूल करके भी जो है दक्षिण दिशा की ओर मुख नहीं करेंगे आप, और पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको श्रृंगार करना चाहिए। तो शीशा जरूर ध्यान दे दिया करिए, क्योंकि जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं कभी किसी के घर में, तो शीशा अगर गलत डायरेक्शन में लगा है तो फिर हमारा मुख जो है वो दक्षिण दिशा की ओर हो जाता है, तो उधर करके फिर श्रृंगार चूड़ी बिंदी सिंदूर आलता कुछ भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मैं आपको थोड़ा सा सिंदूर भरने की विधि भी बता देती हूँ। सभी जानते हैं कि पूजा इससे की जाती है, मांग भी जो है आप अनामिका उंगली से भर सकते हैं अगर कोई सलाई वगैरह नहीं है, सलाई अगर हो तो पीतल की सलाई ले लीजिएगा, अच्छा होगा। तो इस तरह से जब आप मतलब मांग भरते हैं तो आप एक मंत्र भी बोल सकते हैं, मंत्र मैं यहाँ पे बता रही हूँ, मंत्र नहीं बन रहा तो सरल चीज़ भी बताऊँगी। तो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस प्रकार से कहते हुए जो है आपको मांग में सिंदूर भरना चाहिए। तो क्या होता है, आपके सौभाग्य की आयु लंबी होती है। गौरी माता का हमने नाम लिया है, माता नारायणी को हमने नमस्कार किया है इस मंत्र में, तो इस मंत्र को बोलते हुए हमेशा आप जो है अपनी मांग भरा करें। अगर ये मंत्र नहीं बन रहा है तब क्या करना है, तब जो है आपको गौरी शंकर ऐसे आप मांग भर रही हैं, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर ऐसे कहते हुए जो है आपको मांग भरना है। अब हाथ में सिंदूर कभी कभी लग गया होता है तो यूं पीछे घिस लिया करें, इस प्रकार से कहीं यूं झाड़ा मत करें। ठीक है, ये सिंदूर का अपमान होता है तो झाड़ा मत करें आप यूं, और कभी कभी नाक में गिर जाता है तो नाक में गिरा हुआ सिंदूर शुभ माना जाता है, तो जल्दी मत पोंछें मतलब। ठीक है, और एक गलती और भी हो जाती है, कई बार हम सिंदूर जैसे लगा रहे हैं
तो टेढ़ा सिंदूर लगा जाता है या फिर बिगड़ जाता है कि ऐसे लग गया, तो आपको तुरंत कभी भी नहीं मिटाना है। तुरंत मिटाना बहुत ज़्यादा अशुभ होता है, ठीक है, क्योंकि तुरंत अशुभ दिनों में मिटाया जाता है। तो क्या करना, अगर बिगड़ रहा है, बिगड़ गया सिंदूर, तो मान लीजिए यहाँ पे लग गया, तो आप ऐसे करके थोड़ा सा उसको तिकोना करके बना लीजिए। बनाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता, ठीक है। चाहे मेहंदी लगा रहे हों, कोई भी श्रृंगार तुरंत नहीं मिटाना चाहिए। और अगर मतलब बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, बन ही नहीं रहा, तब क्या करना है कि आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें आधा एक घंटा, इसके बाद जो है आप अपना सिंदूर बनाएं। ऐसा भी नहीं हो पा रहा है तो आप पानी वगैरह पी लें पहले, थोड़ा सा कुछ कर लें, बिगड़ गया है सिंदूर तो काम करने के बाद फिर आप अपना उसको सिंदूर को अच्छे से पोंछ करके फिर बनाएं, ठीक है। तो तुरंत नहीं मिटाना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कमेंट में कई महिलाओं ने पूछा था कि कितनी मांग भरना चाहिए। कईयों ने कहा कि उनकी सास कहती हैं कि 90 तोला सिंदूर मिलता है तो थोड़ा थोड़ा सिंदूर लगाओ ताकि आपकी पति की आयु लंबी हो। तो देखिए, बिहार में यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिंदूर भरा जाता है, यानी लंबा सिंदूर भरा जाता है, जितना लंबा मांग भरती हैं। इसीलिए तो हनुमान जी ने पूरे शरीर में कर लिया, मतलब माता सीता से पूछा पूरे शरीर में कि जब मैं पूरे शरीर में इतनी सी मांग भरने में इतनी लंबी आयु होगी, पूरे शरीर में लगा लूंगा तो ज़्यादा होगी। तो ऐसा नहीं है कि आप कम सिंदूर लगाएंगे तब पति की आयु ज़्यादा, 90 तोला मिलता है तो उसको बिल्कुल नाप नाप के लगाना, ऐसा नहीं होता। नपा भी मिलेगा तो आपकी हैसियत नहीं है कि आप बढ़ा लेंगे, जितना भगवान निश्चित कर रखा है। तो हमारे कारण से नुकसान ना हो पति का, इसलिए जो है हम सिंदूर अच्छे से भरते हैं, ठीक है। तो कम नहीं लगाना है, मतलब जैसे तिथि त्यौहार में अगर आपके यहाँ होता हो तो यहाँ से भरा जाता हो, तो बिल्कुल लंबा सिंदूर भरना चाहिए। रोज़ संभव हो तो यहाँ तक, जैसे कि मैंने भर के रखी है, तो इस प्रकार से भरना चाहिए। और नहीं संभव हो पा रहा इतना लंबा भरना तो इतना ही भरें जितना भरना हो, लेकिन ये सोच कर कम मत भरें कि कम लगाएंगे सिंदूर तो हमारे पति की आयु लंबी होगी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कोई नियम जो है मैंने नहीं पढ़ा है। एक और अपना अनुभव जो है आप सभी से बताना चाहूँगी, क्योंकि जो ग्रंथों शास्त्रों से पढ़ती रहती हूँ, तो रामचरितमानस और महाभारत के प्रमाण के अनुसार कभी भी हमें बाल खोल करके सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अब थोड़ा सा आश्चर्य ज़रूर लगेगा क्योंकि हेयर स्टाइल ऐसी होती ही है, सभी की होती है नॉर्मल, लेकिन जब भी आप भले ही हेयर स्टाइल आपको खुली कर रही तो कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा रबर बैंड ही लगा लें, फिर थोड़ा सा पीछे से जूड़ा ही बांध लें, फिर जो है आप मांग भरें। देखिए, कई लोगों की यहाँ ये मानता है कि सिर पर पल्लू लेकर के सिंदूर भरना चाहिए, ये तो मैंने किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा है या फिर नहीं जाना है मेरे क्षेत्र में, लेकिन हाँ ये मैंने ग्रंथों का अनुभव जरूर जाना है कि बाल खोल करके कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि तारा ने जो है बाल छोड़ दिए जब बाली की मृत्यु हो गई, या फिर द्रौपदी ने बाल कब खोले जब वो विनाश चाहती थी, ठीक है। तो कई प्रमाण रामचरितमानस में और भी हैं कि मतलब वो बाल छोड़ करके मंदोदरी भी मतलब रोने लगी, तो बाल छोड़ना एक अशुभ बताया गया, तभी तो अशुभ दिनों में ही बाल छोड़ने को बताया गया कि उसने अपने केश छोड़ दिए और फिर ऐसा करके ऐसा रुदन करने लगी। बहुत मैंने पढ़े हैं ग्रंथों में, पुराणों में भी, तो इस बात को थोड़ा सा मानिएगा कि बाल खोल करके कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, मांग भी नहीं भरनी चाहिए, ठीक। और अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास ना हो कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, तो आप जादू टोना तंत्र मंत्र करने वालों से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जो लोग बाल खोल करके रखते हैं उनको नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा जल्दी प्रभावित करती हैं। जिन्होंने बाल खोल करके रखे हैं उन्हें तंत्र मंत्र भूत प्रेत ज़्यादा जल्दी लिपटते हैं। ये तो खुला संकेत है कि बाल खोल कर कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जब भी अगर आप व्रत की विशेष पूजा कर रहे हैं तो ज़रूर चाहे एक ही रबड़ बैंड लगा लिया करें, लेकिन थोड़ा सा बाल बांध करके ही पूजा किया करें। बाद में बाल खोल लें, अगर पूजा वगैरह की मतलब आपको फोटो निकालनी है तो बाद में खोल लिया करें, उस समय बांध लिया करें। और अब कुछ और नियमों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि मासिक धर्म में क्या करना चाहिए, सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। तो मासिक धर्म में बिना नहाए सिंदूर नहीं लगाया जाता है, क्योंकि हम अशुद्ध अवस्था में होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है सिंदूर, तो अशुद्ध अवस्था में नहीं लगाया जाता है। तो अगर महिलाएं ऑफिस जा रही होती हैं, क्योंकि सूनी मांग अच्छी भी नहीं लगती है, तो मासिक धर्म जो है कई बार जो है 5 से 7 दिन चल जाता है, तो क्या करना चाहिए फिर ऐसी अवस्था में, जो है आप लिक्विड सिंदूर का प्रयोग किया करें। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि बिना नहाए जो है हमें कहीं जाना पड़ जाता है, बहुत ही सुबह सुबह जाना है, तो ये सिंदूर तो लगाया नहीं जा सकता, पवित्र सिंदूर पीला जिसको कहते हैं, तो आप लिक्विड सिंदूर का प्रयोग करें। क्योंकि लिक्विड सिंदूर को मैं केवल जो है एक पेंट समझती हूँ, ठीक है, क्योंकि उसको बनाए रखने के लिए केमिकल वगैरह भी मिलाए जाते हैं, ठीक है, तो वो केवल एक पेंट ही है। शुद्ध और पवित्र सिंदूर तो यही है पीला सिंदूर, जिससे शादी होती है और जिसे हनुमान जी ने लगाया होता है, तो इसको आप शुभ दिनों में प्रयोग करेंगी। सूतक पातक में सिंदूर नहीं लगाया जाता है,
यानी किसी के बच्चे का जन्म हो या फिर किसी की मृत्यु हो गई हो, तो ये पवित्र सिंदूर का प्रयोग फिर उन दिनों में नहीं किया जाता है। नया सिंदूर जो है वो श्राद्ध के पितर पक्ष के 15 दिनों में नहीं लाया जाता है, और बिल्कुल बाल धो करके श्राद्ध के 15 दिनों में भी जिनके पितर नहीं तरे होते उनको ये सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, वो लिक्विड सिंदूर का ही प्रयोग फिर किया करें। ठीक है, बात करते हैं कि किस में रखना चाहिए और कब खरीदना चाहिए। तो सबसे अच्छा है पीतल में रखना, लकड़ी में रखना भी बहुत अच्छा होता है, लकड़ी में ही रख करके जो है विवाह होता है, शादी होती है, लेकिन लकड़ी में भी जो है घुन लगने की संभावना हो जाती है, कई बार रंग जो है बदल जाता है सिंदूर का लकड़ी में भी रखने पर। तो अगर लकड़ी में संभव हो तो रखें, बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं रख पा रहे हैं तो सबसे अच्छा है पीतल, पीतल का इस प्रकार से ला लें। चांदी भी अच्छा नहीं है, तांबा भी अच्छा नहीं है, लोहा तो बिल्कुल नहीं है, स्टील में भी ना रखें, कांच में भी नहीं रखना चाहिए, सबसे अच्छा है पीतल का जो है आप धातु में जो है सिंदूर अच्छे से रख सकते हैं। सिंदूरा जो भी होता है तो हमेशा जो है आप जब भी व्रत की पूजा करते हैं तो व्रत की पूजा में जो है सिंदूरा में ज़रूर आप माता को लगाया हुआ सिंदूर रख लिया करें, थोड़ा सा मतलब सुहाग लेना इसको कहते हैं हम, तो आंचल से हमारे यहाँ लेने का रिवाज है, ऐसे जो है आंचल में लगा करके गौरी माता को लगा करके और अपने में लगाया जाता है। तो एक बार सबसे पहले सिंदूरा में इस तरह से झाड़ दिया करिए, फिर एक बार जो है अपने माथे पर लगा लिया करिए, ठीक है। और सिंदूरा जैसे कि मैं यहाँ पर रेंटल रूम में हूँ तो इस वजह से नहीं है। और खरीदा कब जाता है, तो शुक्रवार को खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ है, अगर आप बाजार से ला रही हैं तब ठीक है, तब आप शुक्रवार को ही लाएंगी, लेकिन अगर आप कहीं तीर्थ जा रही हैं तो दिन विशेष नहीं देखना है, तीर्थ जाने में क्या है अशुभ प्रभाव सभी नष्ट हो जाते हैं, तो आप जो है तीर्थ में चाहे किसी भी दिन जाएं, तीर्थों से जो है आपको सिंदूर ज़रूर लाना चाहिए, और अगर विशेष तौर पर माता रानी के तीर्थ जाएं तो वहां से सिंदूर लाना बिल्कुल मत भूला करिए, और अपने बढ़िया से सिंदूरा में भर लिया करिए, सिंदूरा खाली नहीं रखा जाता, उसमें डाला जाता है तो आप उसको भरते रहा करिए ताकि पति की आयु लंबी हो। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप बाजार से सिंदूर ला रही हैं तो फिर मंगलवार को मत लाया करिए, मंगलवार खरवार माना जाता है, तो बाजार से मंगलवार के दिन नहीं लाना है, तीर्थ विशेष में कोई दिन का ध्यान नहीं रखना है, तीर्थों से तो सिंदूर लाना ही है। अब एक और खास उपाय सिंदूर से जुड़ा जो कि आप कर सकती हैं अपने पति की तरक्की, उनका प्रेम पाने के लिए और उनकी आयु में वृद्धि के लिए, वो उपाय है नाम जप करना, क्योंकि भगवान के एक एक नाम में कई कई जन्मों के पापों को भस्म करने की क्षमता होती है। क्या होता है कि जब हम नाम जप करना शुरू करते हैं तो हमारे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति सुधरने लगती है, तो जो भी भाव से जो है हम भगवान को भजते हैं, नाम लेते हैं उनका, उसी भाव की पूर्ति होती है, उसी की मनोकामना पूर्ति होती है। देखिए हम सैकड़ों उपाय करते रहते हैं, छोटे मोटे डरते रहते हैं, मन में एकदम डर भरा रहता है कि कहीं सिंदूर ये ना हो जाए, कहीं चूड़ी ऐसी ना हो जाए, इतने हमारे डर भरे होते हैं, लेकिन अगर हम रोज भगवान का नाम जप करें तो एक एक नाम आपका करोड़ करोड़ उपायों पर भारी है, यकीन मानिए। तो नाम जप चाहे आप भोजन बना रहे हैं, झाड़ू बर्तन पोछा, किसी भी समय किया जा सकता है। नाम जप क्या होता है, भगवान का नाम लेना, जो भी आपको प्रिय लगते हों, गौरी शंकर, राधा कृष्ण, सीताराम, आपको निरंतर जो है रटते रहना चाहिए, लेते रहना चाहिए, ये एक विशेष रोज का उपाय है, और जिस भाव से आप करेंगे, जिस मनोकामना से, उसी मनोकामना की आपकी पूर्ति होगी। इस उपाय को ही करने से जो है आप अपना जीवन, अपने पति का जीवन, पुत्रों का जीवन सुखद कर सकती हैं। एक बार अगर सिंदूर लगाना भूल भी गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने नाम जप कर लिया ना, आप सभी का जीवन सुखद हो जाएगा। नाम जप जरूर कीजिएगा, और नाम जप कैसे करते हैं, क्या विधि होती है, इसके कई वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो देती रहती हूँ, तो एक बार चैनल पे जरूर आइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।